नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के भरे बाजार भीड़ भाड़ वाले इलाके के पास एक बार फिर चेन स्नेचिंग की वारदात हुई है। बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मैं आपको बता दें, वारदात उस जगह पर हुई है जहां लगातार पुलिस बल तैनात रहता है और यातायात चौकी से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान और तलाश का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब तक पुलिस खाली हाथ ही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता पूनम सिंह पति दीपक सिंह बघेल निवासी बाढ़सागर कॉलोनी बीती शाम पोस्ट ऑफिस के पीछे संचालित ब्यूटी पार्लर आई हुई थी, जहां से वापस जा रही थी। तभी सिरमौर चौराहा से पोस्ट ऑफिस वाले सुनसान रास्ते में बिना नंबर के पल्सर बाइक में सवार दो युवक आए और झपट्टा मारते हुए महिला की चेन तोड़कर फरार हो गए। जब तक महिला कुछ समझ पाती तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। महिला द्वारा चीखा और चिल्लाया गया, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद महिला ने अमहिया थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों की तलाश कर रही है। मैं आपको बता दें, पिछले कुछ समय के दौरान रीवा शहर में लगातार चेन स्नेचिंग की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस किसी भी मामले में अब तक सफलता नहीं हासिल कर पाई है।